कि लोगों पर ना भरे साला इस गांव में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद ही जॉइंट फोर्सेस ने जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया। 30 से ज़्यादा घर जो हैं वो बॉर्डर के लिए थे और उसके बाद केयरफुली सर्च किया गया और अल्टीमेटली जो टेररिस्ट है वो एक मस्जिद में जो है छुपा हुआ था। मस्जिद में होने की वजह से जो है ऑपरेशन बड़ी तरीके से और बड़ी स्लोली हमें करना पड़ा और इसमें फायर पावर असॉल्ट का भी खास ध्यान रखा गया। इनिशियल कॉन्टैक्ट में जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें एक हमारा बहादुर जो वीर जवान है वो शहीद हुआ और बट मुझे लगता है कि पहले ही फायर फाइट में उन्होंने जो है पहले उसको ठीक कर दिया और इसके बाद जो है सर्च दूसरी भी रही और जो दूसरा टेररिस्ट है वो फाइनली आज हमें दूसरे एक छोटे से घर में जो है होल्डअप मिला और वहाँ पर उसको यूटिलाइज किया गया। पहले जो टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हो चुकी है, उसका नाम आकिब बताया जा रहा है। वो एचएम के साथ पहले मुंसलिक था और उसके बाद कुछ महीनों से वो जो है लश्कर और टीआरएफ के फ्रंट के साथ जॉइंटली काम कर रहा था। जो दूसरा टेररिस्ट है उसकी अभी शिनाख्त जो है वो बाकी है और जैसे ही हमारे पास फर्दर डिटेल्स आती हैं। रईस साहब, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के की हत्या हुई थी उसमें आकिब बताया जा रहा है कि देखिए ये जो ग्रुप था यही उस जो माइनॉरिटी मुलविस था और उसकी मास्टरमाइंडिंग और उसकी प्लानिंग में इनका हाथ था। तो क्या खुद वो इन्वॉल्व था फायरिंग में या उसके डायरेक्शन पे किया गया? देखिए ये हमारे इन्वेस्टिगेशन और इसमें काफ़ी और पेचीदगियाँ हैं जो हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते। जैसी डिटेल्स आती हैं आपके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।